आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक्स में हूँ रिंकू सुमेरिया। कल रात से ही खिता चिनाब की अगर हम बात करें तो बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, कहीं इलाकों पे जो है बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते जो है सर्दी बहुत ही बढ़ गई है और लोग जो है अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते, घरों में बैठे हैं क्योंकि सर्दी जो है बहुत तेज़ी से है, सबको जो है ठंड लग रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत ही मुश्किल आ गई है लोगों को, कारोबार करने में भी मुश्किल आ गई है और बच्चों को स्कूल, आपको पता होगा कि सीओ डोडा ने जो है ऑर्डर निकाला कि जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल हैं तो वो आज बंद रहेंगे क्योंकि मौसम ख़राब है, जिसके चलते जो है आज स्कूल भी बंद रखने पड़े। और आपको बता दूँ कि बाज़ार में जो है जितनी भीड़ जो है गर्मियों में दिखाई देती है उतनी सर्दी में जो है नहीं दिखाई देती। इसके पीछे कारण ये है कि ठंड की वजह से लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तो लोगों को सर्दी लगती है जिसके चलते वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। नाम सिमरन कटोच। सिमरन कटोच, आप बताइए कि आपको कैसी, कितनी ठंड लग रही है आज? मुझे बहुत ठंड लग रही है आज, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, ठंड की वजह से, बारिश की वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं पाए। हम तो कॉलेज गए आज, हमें तो जाना पड़ा, मतलब बच्चों को छुट्टी पड़ गई थी, शायद गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी थी मगर हमें नहीं मिली छुट्टी, बहुत ठंड है। अब लेकिन आप फिर भी बाजार में चल रहे हैं, आपको ठंड का वो नहीं हो रहा है? हाँ ठंड तो बहुत है मगर ठंड का आनंद ले रहे हो आप? हाँ ठंड का आनंद भी ले रहे हैं मगर ठंड भी बहुत है। आपको क्या लगता है कि बर्फ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब क्या करें, ठंड तो बहुत होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए, ठंड नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? सूचिका मन्हास। सूचिका मन्हास, आप बताइए कि आज बारिश लगी, सुबह से बारिश थी, तो आपको कितनी ठंड, कैसा लगा? ठंड तो बहुत लगी, बहुत, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। गर्मी अच्छी होती है कि ठंड अच्छी होती है? दोनों ही ठीक है, ना गर्मी अच्छी होती है ना ठंड अच्छी होती है। गर्मी में इंसान का पानी बन जाता और ठंड में इंसान कुल्फी, और क्या, नहीं तो यही होता है, गर्मियों में कुल्फी की ज़रूरत होती है और ठंड में तो खुद ही कुल्फी बन जाते हैं, ये तो है। आपका नाम? समीक्षा मन्हास। समीक्षा मन्हास, आप बताइए ठंड के बारे में, कितनी आपको ठंड लग रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बाहर निकले का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी तो आप बाहर हो? हाँ बाहर हैं लेकिन हम जल्दी जा रहे हैं, घर जाने का सोच रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आपने आज जैकेट भी पहनी है, तो आप बताइए मुझे कि आपको गर्मियों का सीज़न अच्छा लगता है कि ठंड का अच्छा लगता है? मुझे गर्मियों का ही अच्छा लगता है, ठंड बहुत बुरी होती है। आधे लोगों का कहना है कि बारिश होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि गर्मियों का अच्छा होनी चाहिए, लेकिन मुझे गर्मी ठीक लगती है लेकिन ठंड बहुत बुरी होती है। दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, अगर बारिश नहीं होगी, बारिश भी होनी चाहिए लेकिन इस मतलब बहुत जल्दी ये जो सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। विजय कुमार, आप बताएं कि डोडा में आज सुबह से जो है कल रात से बारिश लग रही थी, तो कितनी सर्दी बढ़ गई है डोडा में? नहीं डोडा में तो सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको पता है ज़्यादा सर्दी पड़ गई डोडा में। सर्दी अच्छी है कि धूप अच्छी? सर्दी भी अच्छी है, धूप भी अच्छी है, दोनों समझो। लोग धूप में खुद पसीना बन जाते हैं और कुल्फियाँ ढूंढते हैं लेकिन सर्दी में तो खुद ही कुल्फी बन जाते हैं। लोगों को ना ज़्यादा सर्दी ये महसूस, ये बर्दाश्त होती है, ना इतना ज़्यादा गर्मी। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि डोडा एक ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फबारी, जैसी बारिश लग जाती है बर्फबारी हो जाती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का इसके पीछे कैसा हाथ है? नहीं नहीं उनका तो ये हाथ ये ठीक ही है, हमारी तरह ये डोडा में सर्दी ये ठीक ही है, अब ये बर्फबारी जो हो रही है वो ये यानी पहाड़ों पर पड़ रही है, तो उसकी वजह से डोडा में ज़्यादा सर्दी आ रही है। डोडा के लोगों का यही कहना है कि हम ठंड की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं, हमें गर्मी तो अच्छी लगती है, गर्मी को इम्पॉर्टेंस देते हैं लेकिन ठंड की वजह से जो है घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते जो है हमें बहुत सारी मुश्किल आती है। ठंड में जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो गर्मी में उतना नहीं होता, इंसान ऐसे ही चल सकता है, कहीं भी जाना होगा जा सकता है, लेकिन ठंड की वजह से हमें गर्म कपड़े लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल आ जाती है और पहाड़ी एरिया में जो है बर्फबारी भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बाहर निकलना, कामकाज करना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ आप रिंकू सुमेरिया को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। नमस्कार।